नदी की तेज लहरों को पार करते हुए ये लोग, जिनको पानी में कदम रखने के बाद भरोसा नहीं होता कि वो अपने गांव वापस लौटेंगे भी या नहीं। नदी का पानी कब किसे अपनी लहरों में बहा ले जाए किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हाल है जम्मू के पुंज में पड़ने वाली मंडी नदी का, जहां गांव धड़ा और फतेहपुर समेत आसपास के 5 गांवों के लोग इस नदी को रोजाना पार करते हैं। गांव वासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना नदी के इस पार से उस पार जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांव के बाहर स्कूल होने के कारण स्कूली बच्चों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव के बाहर नौकरी या अन्य कामों पर जाने वाली महिलाओं को सुबह शाम नदी को पार करने के लिए पुरुषों का सहारा लेना पड़ता है। गांव वासियों का कहना है कि नदी पर पुल के निर्माण के लिए कई बार प्रदर्शन किए गए, लेकिन प्रशासन उनकी परेशानी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं नदी को पार करते हुए कई लोगों की बहने से मौतें भी हो चुकी हैं। बारिश के दिनों में नदी का पानी बढ़ जाने के कारण गांव के लोग कई दिनों तक गांव से बाहर नहीं जा पाते और न बच्चे स्कूल जा पाते हैं। यहाँ से हमें बहने का खतरा है, हमारे पहले भी यहाँ से 2-3 बंदे बह चुके हैं, इसलिए हमारे साथ गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है इसके बारे में। ये जो जेंट के गवर्नमेंट है, हमें धोखे में लगाया इसने, खासकर पुंछ के जो लीडर हैं, ये वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा मसला हल नहीं होता। हमें यहाँ पुल की ज़रूरत है। जब दरिया क्रॉस करते हैं तो हमें तो पूरा अपनी जान का खतरा रहता है कि हम बह ही जाएंगे, लेकिन 2-3 बंदे मिलकर किसी बड़ी मुश्किल से दरिया क्रॉस करते हैं। हमारी ज़मीनें उस तरफ हैं दरिया के, हमें मजबूरी मारे जाना पड़ता है। नदी पर पुल ना होने के कारण गांव वासियों की खेती पर भी काफी असर पड़ता है। गांव वासियों का कहना है कि पुल ना होने से वो अपनी फसलों को सही समय पर ना तो काट पाते हैं और ना ही उनकी बुआई कर पाते हैं। गांव वासियों की मांग है प्रशासन नदी पर पुल ना सही लेकिन झूला पुल ही लगा दे। उसमें मजदूर आने जाने में दिक्कत होती है और हमारी जमीन है जो वो इसके पार रह रही है, काफ़ी जमीन है, मजदूर को जमींदार को आने जाने में दिक्कत होती है, तो आधा फसल जो है जमीन इसमें दरिया में बह जाता है। तो बच्चों की परेशानी होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे जो है वो भी स्कूल के जो है ये केनू कलानी, ये इसके फतेहपुर के इस साइड के दड़ा के जो सातरा स्कूल में आते हैं, मंडी में जाते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल में, वो उनको आने जाने की भी परेशानी होती है।